एक प्रतिक्रियावादी इंसान जिसने साम्राज्यवादियों की सहायता करने के लिए अपने ही लोगों को धोखा दिया, जो आम आदमी का दोस्त और अंग्रेजों का दुश्मन होने का दिखावा करता रहा, और जिसने धार्मिक पक्षपात का व्यापक रूप से अनुचित लाभ उठाया। ये शब्द किसी ऐरे गहरे नेता के लिए नहीं, बल्कि 1947 में छपे द ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए लिखे गए थे। और सोवियत यूनियन के इस एनसाइक्लोपीडिया में ऐसा ही कुछ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए भी लिखा गया था। सोवियत यूनियन के अनुसार पंडित नेहरू कोई महान नेता नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी ताकतों के हाथ की एक कठपुतली मात्र थे। भारत को स्वतंत्रता मिलने के शुरुआती सालों में ही केजीबी ने नेहरू सरकार को हटा के सीपीआई को सत्ता में लाने के लिए हर संभव प्रयास करने शुरू कर दिए थे। सीपीआई को मजबूत बनाने और पावर में लाने के लिए केजीबी ने आईबी से लेकर विदेशों में भारतीय दूतावासों, कांग्रेस पार्टी और पीएमओ तक को इन्फिल्ट्रेट कर डाला था। कैसे केजीबी के अंडरकवर एजेंट्स भारत के लगभग हर विभाग में घुस चुके थे और सीपीआई को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे। नेहरू को कमजोर करने के लिए केजीबी आखिर क्या चाले चल रही थी, कैसे चुनावों के लिए केजीबी सीपीआई तक पैसा पहुंचा रही थी, और कैसे भारतीय चुनावों को केजीबी ने बस एक खेल बनाकर रख दिया था, जानेंगे मित्रों के नार्काइव के दूसरे एपिसोड में। नमस्कार, जय मां भारती। भारत को स्वतंत्रता मिलने के कुछ सालों बाद ही आईबी ने सीपीआई और मॉस्को के बीच होने वाले कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया था। इस समय तक आईबी ब्रिटिश राज के अंडर ही काम कर रही थी और इसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ब्रांच हुआ करता था। उस समय के आईबी के चीफ बीएन मलिक के अनुसार मॉस्को से सीपीआई के लिए भेजे जाने वाले लगभग हर संदेश में नेहरू का तख्ता पलट करने पर ही जोर दिया जाता था। 1951 की शुरुआत में बीएन मलिक सीपीआई और मॉस्को के बीच हुए ऐसे ही एक संवाद के इंटरसेप्ट की कॉपी को लेकर नेहरू के पास जाते हैं। नेहरू इस इंटरसेप्ट को पढ़ने के बाद जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं कि मॉस्को को शायद ये नहीं पता कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा स्मार्ट है। खुद प्रधानमंत्री के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बीएन मलिक की छाती भी चौड़ी हो जाती है। लेकिन नेहरू और मलिक शायद इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो केजीबी की वास्तविकता से, जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान थे। यदि नेहरू को ये पता होता कि केजीबी आईबी को इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है, भारतीय डिप्लोमेट्स को अपना एजेंट्स बना चुकी है और यहाँ तक कि उन्हीं की पार्टी के अंदर भी सेंध लगा चुकी है, तो वो कदापि इस इंटरसेप्ट को हंसी में नहीं उड़ाते। 1954 में केजीबी ने एक भारतीय डिप्लोमेट को अपना जासूस बनाने के लिए मार्क कर लिया था। इस डिप्लोमेट को कोड नेम दिया गया था प्रखोर। केजीबी अपनी एक महिला एजेंट कोड नेम नेवरोवा को प्रखोर के पीछे लगा देती है और यह महिला एजेंट जल्द ही भारतीय डिप्लोमेट को हनी ट्रैप करके केजीबी के लिए जासूसी करने पर मजबूर कर देती है। ये डिप्लोमेट भारतीय दूतावास की कोड बुक और रिसाइफरिंग टेबल्स, जिनका इस्तेमाल कोडेड मैसेजेस को डिकोड करने के लिए किया जाता था, इस प्रकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स केजीबी को देना शुरू कर देता है। केजीबी इस भारतीय डिप्लोमेट के काम से इतनी ज्यादा खुश होती है कि कुछ ही महीनों में उसकी सैलरी को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति महीना कर दिया जाता है। ऐसे ही 1956 में एक और भारतीय डिप्लोमेट को केजीबी द्वारा भर्ती किया जाता है और इसको कोड नेम दिया जाता है रेडार। केजीबी की एक महिला एजेंट इस डिप्लोमेट के साथ अवैध संबंध बनाती है और गर्भवती होने का नाटक करके उसे केजीबी के लिए काम करने पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। 1957 में मॉस्को में ही स्थित भारतीय दूतावास के एक और साइफर क्लर्क कोड नेम आर्टर को केजीबी की एक महिला एजेंट ब्लैक करेंसी के व्यापार में उलझा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सर 1,000 रुपए का उधार हो जाता है और फिर उस उधार को लेवरेज की तरह इस्तेमाल करते हुए इस क्लर्क को भी केजीबी के लिए काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे ही डबल एजेंट्स कारण थे कि केजीबी भारत के ज्यादातर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट कर रही थी। भारत सरकार की भावी नीतियों और निर्णयों से जुड़ी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भारतीय दूतावास पहुंचने से पहले केजीबी के पास पहुंच रही थी।
1950 और 60 के बीच जब केजीबी भारत में अपने ऑपरेशंस का विस्तार कर रही थी, तब उसे पता चलता है कि आईबी सीपीआई के ऊपर नजर रखे हुए है और उसके लोग पार्टी पदों पर काम भी कर रहे हैं। केजीबी की एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी प्रमोद दास गुप्ता 1947 से आईबी के लिए काम कर रहे थे। 60 का दशक शुरू होते होते केजीबी भारत के इंटेलिजेंस समुदाय और ब्यूरोक्रेसी के इतना ज्यादा अंदर घुस चुकी थी कि अब वो आईबी के ऊपर भारी पड़ रही थी और आईबी के लिए सीपीआई की गतिविधियों के ऊपर नजर रख पाना असंभव होता जा रहा था। 1959 में सीपीआई के अजय घोष नई दिल्ली में केजीबी रेजिडेंसी के साथ मिलकर सोवियत ब्लॉक के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने को तैयार हो जाते हैं। इस बिजनेस को चलाने का जिम्मा पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता को सौंपा जाता है जिसका कोड नेम था डीईडी और तय ये किया जाता है कि इस बिजनेस से आने वाला सारा मुनाफा सीपीआई के पार्टी फंड में जाया करेगा। कुछ ही सालों में केजीबी और अजय घोष के इस बिजनेस का मुनाफा 30 लाख रुपए प्रति वर्ष तक पहुंच जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीपीआई को पैसे की कोई कमी ना हो, केजीबी और भी कई कदम उठाती है, जैसे कि सोवियत न्यूज एजेंसी नवोस्ती द्वारा सीपीआई के प्रकाशनों को मार्केट रेट से 1.5 गुना ज्यादा मूल्य पर विज्ञापन देना। सीपीआई को मजबूत करने के साथ साथ केजीबी कांग्रेस के अंदर नेहरू के ऐसे विकल्प की तलाश भी कर रही थी जो लेफ्ट की तरफ झुकाव रखता हो, और ऐसा ही एक विकल्प था कृष्णा मेनन, जो एक दशक तक लंदन में हाई कमिश्नर और यूएन में भारत के प्रतिनिधि रहने के बाद 1957 में देश के रक्षा मंत्री बने थे। मई 1962 में मॉस्को केजीबी की नई दिल्ली रेजिडेंसी को निर्देश देता है कि वो भारत में कृष्णा मेनन की पोजीशन को मजबूत करने और उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से ऑपरेशंस करना शुरू कर दे। मेनन के भारत का रक्षा मंत्री बनने से पहले भारत लगभग अपने सारे हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट पश्चिम से ही खरीदता था, लेकिन 1962 में मेनन के जोर देने पर भारतीय वायुसेना के लिए ब्रिटेन के लाइटनिंग्स की जगह सोवियत MiG-21 खरीदे जाते हैं। भारत सरकार के इस चौंकाने वाले निर्णय पर उस समय के ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपनी सरकार को लिखी एक चिट्ठी में कहते हैं, शुरुआत से ही लगभग षड्यंत्रकारी और गुप्त आधिकारिक तरीके से कृष्णा मेनन मिग के पक्ष में और वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के विरोध में कहानियां गढ़ रहे हैं। उधर केजीबी भी मेनन की सोवियत मित्रता का एहसान चुकाने के लिए भारतीय अखबारों में मेनन के गुणगान से भरे आर्टिकल्स प्लांट करवाने लगती है, लेकिन 1962 का भारत चीन युद्ध केजीबी के सारे प्रयासों पर पूरी तरह पानी फेर देता है। अक्टूबर 1962 में चीन द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण के एक दिन पहले तक भी मेनन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि चीन भारत के ऊपर हमला भी कर सकता है और अपनी इस गलती के लिए उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ती है। 31 अक्टूबर 1962 के दिन प्रधानमंत्री नेहरू कृष्णा मेनन को रक्षा मंत्री के पद से हटा देते हैं। मेनन का जाना मॉस्को के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और उनको यूं जाते देख मॉस्को हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता था, उसको कुछ तो करना ही था। मेनन के इस्तीफा देने के ठीक 2 हफ्ते बाद मॉस्को केजीबी को निर्देश देता है कि भारतीय अखबारों और पत्रकारों को पैसे खिलाकर मेनन के पक्ष में लेख लिखवाए जाएं, लेकिन मेनन के राजनीतिक करियर को दोबारा खड़ा करने के केजीबी के ये सभी प्रयास कुछ खास सफल नहीं हो पाते और इन्हीं प्रयासों में 5 साल गुजर जाते हैं। 1967 के चुनावों में कांग्रेस मेनन को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और बुरी तरह हार भी जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद वो केजीबी की सहायता से वेस्ट बंगाल में होने वाले मध्यावधि चुनावों में दोबारा निर्दलीय खड़े होते हैं और इस बार जीत भी जाते हैं। वेस्ट बंगाल के इन चुनावों में मेनन जिन मुद्दों पर बात करते हैं उनसे साफ पता चलता है कि वो पूरी तरह केजीबी के प्रभाव में है। अपने भाषणों में वो वियतनाम को लेकर अमेरिका के ऊपर खुलकर प्रहार करते हैं और अमेरिकी फौजियों के ऊपर मुकदमा चलाने की भी खूब मांग करते हैं। अपनी रैलियों में मेनन जिस प्रकार के मुद्दों को उठा रहे थे उन मुद्दों का भारत और वेस्ट बंगाल की आम जनता की समस्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं था, कम से कम प्रत्यक्ष रूप से तो बिल्कुल भी नहीं। 1964 में मेनन के राजनीतिक करियर और नेहरू दोनों की ही मृत्यु हो जाती है और इसके बाद नेहरू
के विकल्प के रूप में मॉस्को कांग्रेस में नंबर दो की हैसियत रखने वाले और भारत के उस समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को चुनती है। लेकिन यहां भी उसके हाथ कुछ खास सफलता नहीं लगती और मॉस्को को बहुत बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस के नेता लाल बहादुर शास्त्री को अपना नेतृत्व करने के लिए चुन लेते हैं और मॉस्को इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। असल में ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं की तरह केजीबी को भी बिल्कुल ये आशा नहीं थी कि शास्त्री जी भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनको तो ऐसा लगता था कि पंडित नेहरू के बाद या तो मोरारजी देसाई या फिर उनकी खुद की बेटी इंदिरा गांधी को इस देश की कमान मिल जाएगी और यही कारण था कि केजीबी ने शास्त्री जी के ऊपर बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया हुआ था। मॉस्को और केजीबी को ये बात नहीं पता थी कि शास्त्री जी किस ओर अपना झुकाव दिखाएंगे, पश्चिम की तरफ या फिर सोवियत यूनियन की तरफ। जहां तक पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात थी तो शास्त्री जी दूर दूर तक भी केजीबी की योजनाओं का हिस्सा नहीं थे और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि मॉस्को ने 1953 से ही इंदिरा गांधी को अपने लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। स्टालिन की मृत्यु के कुछ महीनों बाद इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन के दौरे पर जाती हैं, इस आशा में कि एक दिन ये 36 वर्षीय महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। केजीबी का सेकंड चीफ डायरेक्टोरेट इंदिरा गांधी को निरंतर सर्वेलेंस में डाल देता है और उनके चारों तरफ अपने आदमी छोड़ देता है, आदमी जिनका बस एक ही काम था, हर समय इंदिरा गांधी की तारीफें करते रहना। अपनी सोवियत यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी अपने पिता को एक चिट्ठी लिख अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए कहती हैं, यहाँ पर रशियंस मुझे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, हर कोई मुझे अपनी एक लौती बेटी की तरह ट्रीट कर रहा है, मेरी वापसी का समय आते आते मैं बहुत ज्यादा बिगड़ जाऊंगी, आज तक किसी ने भी मुझे इतना प्यार नहीं दिया है। 2 साल बाद जब इंदिरा गांधी अपने पिता के साथ दोबारा सोवियत यूनियन की यात्रा पर जाती हैं तो एक बार फिर से उन्हें प्रभावित करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इस यात्रा के दौरान सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव इंदिरा गांधी को एक अत्यंत महंगा रशियन मिंक कोट उपहार में देते हैं और ये कोट इंदिरा गांधी की मनपसंद वेशभूषा बन जाता है। लेकिन कुछ साल पहले इंदिरा गांधी के ही कहने पर एक भारतीय महिला डिप्लोमेट को ठीक वैसा ही कोट उपहार में लेने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। केजीबी के लिए इंदिरा गांधी को खुश रखना एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा था। मॉस्को इंदिरा गांधी को खुश करके उनके पिता को प्रभावित कर रही थी और साथ ही उन्हें भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रही थी, ऐसी प्रधानमंत्री जिसका रिमोट कंट्रोल मॉस्को के हाथ में हो। संसद के अपने शुरुआती दिनों में मिसेस गांधी ज्यादातर चुपचाप ही रहती थी और विपक्ष के सवालों के चतुर उत्तर भी नहीं दे पाती थी। इसी कारण एक समाजवादी नेता ने उन्हें एक उपनाम दे दिया था, डम्ब डॉल यानी के मिट्टी की गुड़िया। 1966 में जहां केजीबी एक तरफ इंदिरा गांधी को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ 1967 में होने वाले चुनावों के लिए वो सीपीआई और सीपीएम दोनों को एक साथ मिलकर कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए भी प्रेरित कर रही थी। 1967 के चुनावी प्रचार में केजीबी सीपीआई और दूसरे लेफ्ट विंग ग्रुप्स को आर्थिक सहायता तो दे ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेताओं को अपना एजेंट बनाने के लिए भी पैसा पानी की तरह बहा रही थी। मित्रों की फाइल्स के अनुसार ऐसा ही एक एजेंट था कोड नेम्ड आबाद, जो कांग्रेस का एक काफी वरिष्ठ नेता था और केजीबी की नजरों में अत्यंत प्रभावशाली भी था। इस चुनावी प्रचार के दौरान केजीबी का डिपार्टमेंट सर्विस ए नकली डॉक्यूमेंट्स का भी सहारा ले रहा था। केजीबी इन डॉक्यूमेंट्स की सहायता से भारत के कम्युनिस्ट विरोधी नेताओं को बदनाम करने का काम करती थी। ऐसे ही एक कम्युनिस्ट विरोधी नेता थे कांग्रेस के एसके पाटिल। एसके पाटिल की कम्युनिस्ट विरोधी विचारधारा और बातें मॉस्को को कतई पसंद नहीं थी और इसीलिए उनका राजनीतिक करियर खत्म करने का जिम्मा सौंपा जाता है केजीबी के ऑपरेशंस ऑफिसर यूरी दिन को। पाटिल को बदनाम करने के लिए यूरी भारत में अमेरिकी राजदूत के नाम से एक नकली चिट्ठी लिख उसे मीडिया में सर्कुलेट करवा देता है। इस चिट्ठी के अनुसार एसके पाटिल पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे थे और उन्हें अमेरिका से फंडिंग भी मिल रही थी। 1967 के चुनावों में एसके पाटिल कांग्रेस के एकमात्र ऐसे सबसे वरिष्ठ नेता थे जो चुनाव हार चुके थे। ऐसे ही यूरी मोदिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर जॉन फ्रीमैन के नाम से एक फर्जी टेलीग्राम लंदन भेजता है जिसमें लिखा होता है कि अमेरिका भारत की राइट विंग पार्टियों और नेताओं को भी पैसा खिला रहा है।
फरवरी 1967 में हुए चुनावों के नतीजे आने के बाद केजीबी ऐसा दावा करती है कि भारत की संसद में 30-40% एमपीज उसकी मर्जी के हैं। 1967 के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच आई दरार हो, कांग्रेस का पहला विभाजन हो या फिर मिसेस गांधी की नीतियां हो, जैसे 14 कमर्शियल बैंक्स का राष्ट्रीयकरण करना, इन सब घटनाओं के तार कहीं ना कहीं मॉस्को और केजीबी के साथ ही जाकर जुड़ते हैं। कैसे आने वाले समय में भी केजीबी कांग्रेस के अंदर सेंध लगाती रही, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को प्रभावित करती रही, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों को भी पूरी तरह केजीबी अपने काबू में करती रही। कैसे इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में केजीबी के ऑपरेशंस इतने ज्यादा फैल गए थे कि अपनी गतिविधियों को हैंडल करने के लिए केजीबी को भारत में एक नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ गया था। भारत सोवियत मित्रता संधि का ज्यादा फायदा किसे पहुंचा, भारत को या फिर सोवियत यूनियन को? कैसे 1971 के भारत पाक युद्ध की आड़ में सोवियत यूनियन को जितने चाहे उतने डिप्लोमैट्स भारत के अंदर भेजने की खुली छूट मिली रही, जैसा कि किसी और देश में नहीं होता था? कैसे केजीबी ये सुनिश्चित करती रही कि भारत केवल हथियार सोवियत यूनियन से ही खरीदे, और वो भी सोवियत यूनियन की मनमानी शर्तों और मूल्यों पर? इन सब प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे मित्रों के इन आर्काइव के अगले एपिसोड में। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।